Su-Kam MPPT Solar PCU 2.5 kVA 48 volt. आज हम सिस्टम को मेंस बैटरी और सोलर से कैसे कनेक्ट करते हैं ये समझेंगे. पहले हम Su-Kam MPPT Solar PCU को एक 48 volt बैटरी बैंक से कनेक्ट करेंगे. ब्रेनी टच के साथ हम चार बैटरीज कनेक्ट करेंगे. चार बैटरीज को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे. जैसे आप देख सकते हैं ये बैटरी नंबर 1 है, 2, 3 एंड 4. अब ये बैटरीज को हम सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे ये समझेंगे. बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट करने के लिए पहले हम बैटरी नंबर 1 के नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी नंबर 2 के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे. बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट करने के लिए हम 12 mm स्क्वायर की वायर यूज करेंगे. इसके बाद हम 12 mm स्क्वायर वायर के साथ ही सेकेंड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को थर्ड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे. जैसे आप देख सकते हैं हमने सेकेंड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से थर्ड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया. इसके बाद थर्ड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को फोर्थ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे. सारे वायर कनेक्शंस करने के बाद हम 12-13 नंबर के स्पैनर के साथ स्क्रूज को टाइट करेंगे. सीरीज कनेक्शन करने के बाद अब हम बैटरी नंबर 1 से एक 1 मीटर का 12 mm स्क्वायर का वायर कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल से. जैसे कि आप देख सकते हैं अब हम बैटरी नंबर 1 के पॉजिटिव टर्मिनल से वायर कनेक्ट कर रहे हैं. सेम डायमेंशन और सेम लेंथ के वायर के साथ अब हम बैटरी नंबर 4 के नेगेटिव टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट करेंगे. अब हम Su-Kam MPPT सोलर PCU के साथ बैटरी वायर कनेक्शंस करेंगे. बैटरी बैंक से नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल से आने वाले वायर को अब हम सिस्टम के साइड पैनल पे लगा बैटरी टर्मिनल ब्लॉक पे लगाएंगे. जैसे कि आप देख सकते हैं हमने सिस्टम के साइड पैनल पे बैटरी वायर्स कनेक्ट कर दिए हैं. ये बैटरी वायर्स करीब 1 मीटर के होने चाहिए. जैसे जैसे इनका लेंथ बढ़ता रहेगा पावर लॉसेस के चांसेस बढ़ते रहेंगे. बैटरी बैंक कनेक्ट करने के बाद अब हम सोलर PCU के साथ 8 पैनल्स 250 वॉट ईच के कनेक्ट करेंगे. जैसे कि आप देख सकते हैं Su-Kam MPPT सोलर PCU के साथ हमने 8 पैनल्स कनेक्ट कर रखे हैं 250 वॉट ईच के. अब हम ये समझते हैं कि सोलर पैनल्स को हमने कैसे कनेक्ट किया हुआ है. जैसे कि आप देख सकते हैं हमने सोलर पैनल्स को 4 एरेज में डिवाइड किया है. इन चारों एरेज में हर एरे में 2 सोलर पैनल्स 250 वॉट ईच 24 वॉट सीरीज में कनेक्टेड है. अब हम देखते हैं कि 2 पैनल्स को सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं ये सोलर पैनल्स के बैक साइड है. सोलर पैनल्स को सीरीज में कनेक्ट करने के लिए हम सोलर पैनल नंबर 1 के नेगेटिव टर्मिनल से आने वाली वायर को पैनल नंबर 2 के पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे. पहले हम स्क्रू को ओपन करेंगे और उसके बाद वायर फिट इन करेंगे. इसी तरह हम 4 एरेज में 2 सोलर पैनल्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे. इसी तरह सारे एरेज में हम 2 सोलर पैनल्स सीरीज में कनेक्ट करेंगे और इन चारों एरेज को हम फाइनली पैरेलल में कनेक्ट करेंगे. अभी हम 2 एरेज को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे. जैसे कि आप देख सकते हैं ये एरे नंबर 1 है और ये एरे नंबर 2 है. इसके लिए हम एरे नंबर 1 के पॉजिटिव वायर को एरे नंबर 2 के पॉजिटिव वायर से कनेक्ट करेंगे. इसके बाद हम एरे नंबर 1 के नेगेटिव वायर को एरे नंबर 2 के नेगेटिव वायर से कनेक्ट करेंगे. उसके बाद एक जंक्शन बॉक्स से कनेक्ट कर देंगे और इस जंक्शन बॉक्स से हमें 2 वायर्स मिलेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, जिसको हम फाइनली ब्रेनी टच में कनेक्ट करेंगे. इसके साथ ही सोलर पैनल्स साउथ फेसिंग होने चाहिए और सोलर पैनल इंस्टॉल करते समय ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सोलर पैनल्स शैडो फ्री रीजन में इंस्टॉल किया जाए. अब हम ये समझते हैं कि सोलर पैनल को कौन से एंगल पे इंस्टॉल करना चाहिए. जैसे आप डायग्राम पे देख सकते हैं हमने 2 सोलर पैनल्स इंस्टॉल किया हुआ है और ये एंगल पता करने के लिए पहले हमें एरिया का लैटिट्यूड पता होना चाहिए.
जैसे आप देख सकते हैं, अगर आप दिल्ली में सोलर पैनल इंस्टॉल करना चाहते हैं तो दिल्ली का लैटिट्यूड पता होना चाहिए जो कि है 28.6 डिग्रीज। इसी लैटिट्यूड के हिसाब से आप दिल्ली में सोलर पैनल को 28 डिग्रीज पे इंस्टॉल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जैसे आप देख सकते हैं, हमने दिल्ली में सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए हैं और जैसे हमने अभी समझा है, दिल्ली का लैटिट्यूड 28.6 डिग्रीज है, इसलिए हम इस सोलर पैनल को 28.6 डिग्रीज पे इंस्टॉल करेंगे। आप देख सकते हैं ये एंगल है जिस पे हमें सोलर पैनल्स इंस्टॉल करने हैं। अब अगर आप श्रीनगर में सोलर पैनल इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप सोलर पैनल को श्रीनगर के लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग जो कि 35 डिग्रीज है उस पे इंस्टॉल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब हम एक और केस देखेंगे। अगर आप बैंगलोर में सोलर पैनल इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप सोलर पैनल को 12.9 डिग्री पे इंस्टॉल करेंगे जो कि बैंगलोर का लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग सोलर पैनल को इंस्टॉल करने से हम सोलर पावर का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अब हम सुकैम एमपीपीडी सोलर पीसीयू के साथ सोलर पैनल से आने वाली वायर के कनेक्शंस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पीवी टर्मिनल ब्लॉक है और इस पे हम वायर्स कनेक्ट करेंगे। पहले हम स्क्रू को ओपन करेंगे और फिर वायर कनेक्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने सोलर पैनल कनेक्शंस कर दिए हैं। सोलर से आने वाले वायर कनेक्ट करने से पहले हमें ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ये वायर 8-10 mm स्क्वायर थिकनेस की होनी चाहिए और इसका लेंथ हमें मिनिमम रखना है क्योंकि जैसे ही लेंथ बढ़ेगा पावर लॉस भी साथ साथ बढ़ता रहेगा। अभी हम सुकैम एबीबीडी सोलर पीसीयू के साथ मेन्स कनेक्शंस करेंगे। अब हम सिस्टम के साइड पैनल पे प्रोवाइडेड इनपुट टर्मिनल ब्लॉक्स पे वायर्स कनेक्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हम स्क्रू पहले हटाएंगे और उसके बाद वायर्स कनेक्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इनपुट वायर कनेक्शंस कर दिए हैं। इनपुट वायर लगाने से पहले हमें यह विशेष ध्यान रखना होगा कि इनपुट वायर की थिकनेस करीब 6-8 mm स्क्वायर की होनी चाहिए। अब हम सोलर पीसीयू के साथ पीसीयू आउटपुट कनेक्शंस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सिस्टम का आउटपुट टर्मिनल ब्लॉक है, इस पे हम वायर्स कनेक्ट करेंगे। पहले हम स्क्रू को ओपन करेंगे और उसके बाद वायर कनेक्ट करेंगे। आउटपुट वायर कनेक्ट करते समय हमें विशेष ध्यान देना होगा कि ये आउटपुट वायर्स करीब 2.5 mm स्क्वायर थिकनेस की होनी चाहिए। अभी हम बैटरी एमसीबी को ऑन करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं सिस्टम ऑन हो चुका है और अभी आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं बैटरी वोल्टेज हमें 48.2 वोल्ट दिखाई दे रहा है और करंटली पीसीयू ऑफ है और पीसीयू से कोई आउटपुट नहीं जा रहा, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम पीवी एमसीबी को ऑन करेंगे। अभी जैसे आप देख सकते हैं पीवी कनेक्ट हो चुका है और पीवी वोल्टेज हमें 53.1 वोल्ट दिखाई दे रहा है। अभी हम आउटपुट एमसीबी को ऑन करेंगे। इसके बाद सिस्टम के फ्रंट पे प्रोवाइडेड पावर स्विच को ऑन करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं पीसीयू अभी बैकअप मोड पे चल रहा है और आउटपुट लोड परसेंटेज करंटली 24% दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम इनपुट एमसीबी को ऑन करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं सिस्टम मेन्स मोड पे आ गया है, इसका मतलब यह है कि सिस्टम मेन से कनेक्टेड है और करंटली मेन सप्लाई से रन कर रहा है।